डॉक्टर साहब हाँ यार, रिपोर्ट पे शुरू वाली दवाई कौन सी लिख रखी है? अरे दवाई कौन है तो मैं पेन चला के देखिया चल रहा है कोई। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार। अच्छा वो कल मेरी रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट आई है तो कह रहे हैं उसमें रिजल्ट। अच्छा अच्छा भाई राकेश जी आपकी रिपोर्ट है, थोड़ा दिल थाम के सुनो ना। अच्छा जी भाई साहब आपकी एक किडनी फेल होगी। किडनी फेल होगी मेरी? हाँ 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 किडनी फेल होगी। कितने नंबर लो डॉक्टर साहब? नंबर क्या हुआ राकेश कुमार जी, आप तो बिल्कुल ठीक भी हो गए, अब क्यों घबरा रहे हो डॉक्टर साहब? हाँ क्या बताऊंगा आपने, क्या हुआ बताओ यार, अब तो ठीक हो आप? जिस गाड़ी के लिए मेरा एक्सीडेंट हुआ था नी। अच्छा उस पर नू लिख रहा क्या था? हाँ फिर मिलेंगे। हाँ जी राकेश जी अब तो आपने शराब पीना छोड़ दिया होगा। बिल्कुल जी। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ ले फिर कदे कदे कोई रिक्वेस्ट कर ले पी ले ले थोड़ी बहुत दो चार घूंटे। चलो कोई बात नहीं, इतना तो कोई बात नहीं। अच्छा ये कौन है साथ में? हाँ ये अपने रिक्वेस्ट करने के लिए रख रखा है। डॉक्टर साहब। हाँ जी। एक बस स्टैंड पे अमिताभ बच्चन और प्राण साहब खड़े थे। अच्छा जी। तो बस आई। अच्छा। प्राण साहब तो चढ़ गए, अमिताभ बच्चन नहीं चढ़े। अमिताभ बच्चन क्यों नहीं चढ़े भाई? अमिताभ बच्चन इसलिए नहीं चढ़े क्योंकि खिड़की पे उसके ऊपर लिखा था कि प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। हाँ जी मिस्टर राकेश कुमार। हाँ जी डॉक्टर साहब। तनाव में होते हो तो तनाव को कैसे दूर करते हो? मैं डॉक्टर साहब मंदिर भी जा रहा हूँ। मंदिर? अच्छा, में अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे जाके तो फिर भगवान जी का ध्यान लगाते होंगे आप। ध्यान तो उनको नहीं डॉक्टर साहब, आप तो देखे जो चप्पल काट के अंदर जाए हुआ है उनकी चप्पला ने मिक्स कर दिया। अरे उनका तनाव देख के अपना तनाव तो ऑटोमेटिक दूर हो जाए।